So hi everyone and welcome back once again to the channel. So February has been ended, March aa gaya hai, and as per the previous speculations, the notification for RBI grade B should have come till now. But abhi tak to nahi aaya notification. So regarding all these issues, you guys must be very tensed ki now what to do now, what are the new expected exam dates aur kitna aage ja sakta hai. So there must be various questions which are there in your mind regarding the expected exam dates and when will the notification come. So I am here to just have a small conversation with you regarding all these issues and what you guys can do now. Kya aapke aage ki strategy honi chahiye? Theek hai? First of all, we will talk about what are the expected exam dates, then I will tell you what you should do right now. Right, and what you should not do, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे क्योंकि वो भी बात करना इंपॉर्टेंट है. ओके, तो या लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, देखो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द एग्जाम डेट्स. ऐसा नहीं है आरबीआई है वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर देयर विच डिसाइड्स यू नो वॉट वुड बी द एग्जाम डेट्स. फॉर एग्जाम्पल देखो, नंबर वन, आरबीआई डज नॉट वॉन्ट दैट इट्स एग्जाम क्लैशेस विद अदर एग्जाम. यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम अकर इन अ ईयर, एक साल में सैकड़ों एग्जाम्स होते हैं. सो आरबीआई ये नहीं चाहता कि किसी भी फॉर्म में दूसरे एग्जाम्स के साथ उसके क्लैशेस हो, ताकि उसका जो टैलेंट उसके पास मिल सकता था वो छूट जाए. आप जैसा टैलेंट अगर छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज टुमारो अगर मान लो यूपीएससी और आरबीआई एक दिन होता है तो और आप तो यूपीएससी देने जाओगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, राइट? तो आरबीआई के से टैलेंट छूट जाएगा, तो वो ये नहीं चाहता. दूसरी चीज, बुकिंग ऑफ एग्जाम सेंटर्स. नाउ हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम अगर इन ईयर, ठीक है, तो जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं जहां पे आप जाके एग्जाम लिखोगे, भाई वो भी तो बुक करने होते हैं ना. आरबीआई का अपना तो कुछ है नहीं कि ठीक है भाई आरबीआई के ऑफिस में एग्जाम कंडक्ट करा लिया, इट इज नॉट द आइडिया. ठीक है, there is a need of examination centers. ठीक है, आप में से कई लोगों ने जो पहले दिया होगा examiner, आपको पता होगा exams. ठीक है, उसके अलावा there might be certain internal issues. Internal issues क्या हो सकते हैं? Management का issue हो सकता है, जो HR department है RBI का उसके अंदर कुछ issues हो सकते हैं जिसकी वजह से exam dates अभी नहीं आ पा रही है, notification out नहीं हो पा रहा है. नंबर ऑफ वैकेंसीज एक इश्यू हो सकता है. ठीक है, मान लेते हैं कि आरबीआई के पास आज नंबर ऑफ वैकेंसीज है लेट्स से 100. ठीक है, लेट्स से देयर आर 100 वैकेंसीज टुडे, एंड आरबीआई एक्सपेक्ट्स कि इन लेट्स से 15 डेज और 17 डेज और 20 डेज और 1 मंथ कुछ और नोटिफिकेशन, कुछ और वैकेंसीज जो है वो आ सकती है उसके पास. देन इट विल वेट फॉर अनदर 15-20 डेज टू इंक्लूड ऑल दोज वैकेंसीज एज वेल, सो दैट ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए आ सके. ठीक है, इसके अलावा जॉइनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रीवियस बैच पे भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं. ऑल्दो 2022 वाले की जॉइनिंग हो चुकी है इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ, तो अभी उनका ट्रेनिंग चल रहा होगा, तो जॉइनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रीवियस बैच पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं. एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मुझे भी नहीं पता है, विच डिसाइड व्हाट विल बी द एग्जाम डेट्स. ठीक है, नाउ आगे अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट आरबीआई इज नाउ ट्राइंग टू मेंटेन अ साइकिल. ऑल्दो आरबीआई का जो ग्रेड बी एग्जाम होता है उसकी कोई साइकिल नहीं है, कभी भी रैंडमली किसी भी मंथ में नोटिफिकेशन आ जाता है, सितंबर, जून, मई, मार्च, फरवरी, कभी भी आ जाता है. बट अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं, उससे भी पिछले साल पे जाऊं मैं, ठीक है, तो आई बिलीव जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आया था 2020-21 वाला, उसके बाद 22 में जो नोटिफिकेशन आया दैट वॉज ऑन 28th of March. ठीक है, फेज वन was held on 28th May, phase 2 was held on 25th of June. Now, अभी इससे पहले जो speculation थी उसके हिसाब से जो notification था वो आ जाना चाहिए था, and phase 1 would have been on 1st of April, first week of April. But ऐसा नहीं हुआ, अभी तक notification नहीं आई है, तो phase 1 will definitely not happen in the first week of April. वो हो ही नहीं सकता, that is absolutely not possible. ठीक है, one second. Now the thing is, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आरबीआई, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक साइकिल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है ताकि सबका फायदा हो, उसका भी फायदा हो, कैंडिडेट्स का भी फायदा हो, और एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है सबका फायदा हो, सबका साथ सबका विकास हो जाए. आरबीआई इज मूविंग टुवर्ड्स दैट, राइट? सो इसीलिए आई बिलीव, इसीलिए
I believe that this year, for the year 2023, the notification will come in the last week of March. In the last week of March, the notification will come, right? And as per the previous trends, पिछली बार तो उन्होंने दो महीने दे दिए थे, that was a big surprise. अगर दो महीने देता है, ठीक है, दो महीने देता है, तो you can expect notification by the end of this week only, right? Or maybe the next week. But अगर वो पिछले ट्रेंड पे जाता है 30-40 days, तो first और second week of May में आपका phase one हो जाना चाहिए, and second week of June, this should be June, second week of June में आपका phase two हो जाना चाहिए, right? ये अभी तक की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, एंड अगेन ये एक्सपेक्टेड ही है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता. हो सकता है ये और ज्यादा एक्सटेंड हो जाए डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स जो कि अभी हमने पहले डिस्कस कर, ठीक है. सो द थिंग इज, अभी के लिए आपको ये मान के चलना है दैट योर एग्जाम, योर फेज वन विल हैपन इन फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मे, और जो फेज टू होगा दैट विल बी कंडक्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ जून. अभी के लिए आपको ये मान के चलना है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम अकॉर्डिंगली, ठीक है. नाउ कुछ और बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं और आज भी नहीं लूंगा. थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, आपके फायदे की करेंगे और अपने अपने घर चलेंगे. देखो भाई, अब जब नोटिफिकेशन एक महीना आगे बढ़ा है, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, एक महीना आगे बढ़ा है ओनली, तो यहाँ पे दो तरीके के एस्पिरेंट्स है हमारे पास, ठीक है. सम ऑफ यू आर देयर हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर सिलेबस, ठीक है, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो अभी एक एडवांटेजियस पोजीशन पे है. बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जिनका सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है. तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है हल्का सा 15-20 दिन का, मैं तो कहूंगा, ज्यादा कहूंगा भी नहीं, वो इन दोनों के लिए ही अच्छा है. व्हाई इज इट गुड फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ पीपल? व्हाई? बिकॉज जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, दे हैव मोर टाइम टू रिवाइज, ठीक है, दे कैन रिवाइज देयर कंटेंट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. बिकॉज देखो, बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, यूनियन बजट, NFHS, डेली करंट अफेयर्स, PIB, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये इतना डेटा रिटेन करके रखना और एग्जामिनेशन में मतलब रिकॉल कर पाना इज इटसेल्फ अ वेरी बिग एंड अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट. तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. और वो लोग जिनका अभी सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है, भाई लोगों, आपको नेचर ने एक मौका दिया है. नेचर हैज गिवन यू वन मोर चांस टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस मौका, ठीक है जी. इस मौके का पूरा फायदा उठाओ, इसको मत जाने दो. अभी आपके पास एक महीने का एक्सटेंशन और मिला है, सो यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. इस मौके को जाने मत देना. अब यहां पे एक चीज मैं, एक वार्निंग मैं यहां पे देना चाहता हूं. अब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनमें भी ना अब दो तरीके के लोग निकल के आएंगे आफ्टर हियरिंग दिस एक्सटेंशन, आफ्टर हियरिंग दिस एक्सपेक्टेड डेट, उसमें दो तरीके के लोग निकल के आएंगे. अब सिलेबस कंप्लीट वाले, ऐसा एक हो सकता है जो कि आज के बाद ये सोचेगा, अबे यार अभी तो बहुत टाइम है, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, लेट्स टेक अ चिल पिल, ठीक है. और दूसरा वो होगा जो कहेगा, नहीं कोई बात नहीं, एक ही महीना एक्सटेंड हुआ है, बट क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना अप हो चुका है, ये जितना भी मुझे टाइम मिले उतना कम मिलेगा पढ़ने के लिए, जितना भी टाइम आपको दे दिया जाए उतना कम है इस एग्जाम को पढ़ने के लिए. बिकॉज यू हैव सीन द लेवल ऑफ फेज वन एंड फेज टू ESI एज वेल, कितना हाई लेवल के क्वेश्चन RBI आज पीरियड में पूछ रहा है. तो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर द हायर द चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है. तो दूसरा स्टूडेंट वो होगा जो कि कंटिन्यूसली रिवाइज करता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं. अगर तुम रुक गए ये सोच के कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है और तुम एडवांटेजियस पोजीशन में हो, तो भाई साहब, एक ऐसा पर्सन जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है वो मेहनत करके आपसे आगे निकल जाएगा. सो प्लीज डोंट डू दैट. और जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है उनको भी अभी निराश होने की जरूरत नहीं है. यू गाइज हैव ऑल टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. अभी भी अगर मैं फर्स्ट वीक ऑफ मे में बोल रहा हूँ फेज वन, तो यू हैव मार्च एंड अप्रैल, 2 months, राइट. फॉलो द स्ट्रैटेजी विच वॉज गिवन टू यू बाय अनुज सर. 2 months की स्ट्रैटेजी उन्होंने आपको दी थी अप्रैल के एग्जाम के हिसाब से. तो जो एक महीना आपके पास मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो फॉर रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स, राइट. तो डोंट बी, यू नो, डोंट बी दिस गाय हु विल टेक अ चिल पिल आफ्टर नोइंग दिस कि ओके फर्स्ट वीक ऑफ मे में होगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है. ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, सबके पास लिमिटेड टाइम है और सबको उसी टाइम में प्रिपेयर करना है, ठीक है. देखो यहाँ पे
मैंने ये छोटी सी पिक्चर मिली थी, ऐसा होता है सबके साथ होता है, कुछ लोग होते हैं अभी तो डेट शीट ही नहीं आई है, ठीक है आप में से कई लोग होंगे ऐसे, मैं भी ऐसा ही था इनफैक्ट, अभी तो एग्जाम्स में बहुत टाइम है, उसके बाद अभी तो एग्जाम में 2 महीने हैं, उसके बाद अभी तो एग्जाम में 30 दिन है, उसके बाद अभी तो एग्जाम में 1 हफ्ता है, और एग्जाम डे पे उनकी हालत मसान के विकी कौशल जैसी हो जाती है कि दुख खत्म काहे नहीं होता है, राइट। तो ऐसा प्लीज मत करो यार, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, ठीक है आपके पास टाइम, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ये सोच के पढ़ाई करो। ऑलराइट, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। मैं अपने पीआईबी की क्लास में भी आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसी बात पे एम्फसाइज दे रहा हूं, दैट गाइस प्लीज डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, रिलीजिंग नोटिफिकेशन इज द टास्क ऑफ आरबीआई, लेट आरबीआई डू दिट, व्हाट कैन यू डू फ्रॉम योर पार्ट, यू हैव ओनली वन थिंग टू डू एंड दैट इज प्रिपेरेशन, सो वाई आर यू लूजिंग आउट ऑन इट, वाई आर यू नॉट डूइंग प्रिपेरेशन, प्लीज डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, बिकॉज इस पूरे यूनिवर्स के एक सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट अर्थ पे, अर्थ के इस देश में, देश के एक स्टेट में, स्टेट के एक सिटी के एक किसी घर के किसी कमरे में वो एक कैंडिडेट है, वो एक स्टूडेंट है हु इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, एंड डू यू वॉन्ट कि आप वैसा ना करके अपने आप को इस एग्जाम में अपने आप को पीछे रख लें, सो प्लीज डोंट डू दैट, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ और फॉलो द स्ट्रैटेजी विच वॉज गिवन बाय अनुज सर टू यू गाइज। यूट्यूब पे उन्होंने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाई है तो वो आप जाके देख सकते हो, उसको फॉलो करो, नहीं कर पा रहे हो तो अपना टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम्स, बट डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, व्हेन यू नो इट विल डेफिनेटली कम देन व्हाई आर यू वेट फॉर द नोटिफिकेशन। सो दैट इज ऑल, यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था, ठीक है। अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीटेड है तो कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग इट, ठीक है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, एक बार टाइम चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा घूम के, और टाइम कभी किसी के पास आता नहीं है कि लो मैं आ गया मेरा इस्तेमाल करो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। टाइम का जुडिशियल यूज आपको आना चाहिए एंड यू शुड यूज इट जुडिशियली, यू मस्ट यूज इट जुडिशियली। बाकी हम आपके साथ हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वील बी स्टार्टिंग रिविजन सेशन ऑफ पीआईबी, ऑफ स्पॉटलाइट, ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वॉट नॉट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइज, जस्ट जस्ट डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन and start preparing from today itself. Thank you so much. Goodbye, take care, and God bless.